हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, मैरिचा हमारी ये मैथ पेडागोजी की क्लास है, जिसमें हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे जो हमारे अपटेट एग्ज़ाम दे रहे हों, सीटेट एग्ज़ाम, केवीएस, डीएसएसबी या व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम में जहाँ भी पेडागोजी का पोर्शन आना है उसकी दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ हम हर वो पॉइंट मैथ पेडागोजी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। दोस्तों, रेखा गणित की बात की जाए तो रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि होती है। आगमन और निगमन विधि के बारे में आपको बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं इन सब के बारे में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। दोस्तों, प्रयोगशाला विधि ऐसी विधि होती है, अर्थात लेबोरेटरी मेथड ऐसी विधि होती है जहां पर बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है। तो बच्चे एक्टिव रहते हैं और नवीन तत्वों की खोज कहाँ की जा सकती है, प्रयोगशाला में ही की जा सकती है। नेक्स्ट है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हैं। आप किसी भी स्टेट टेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो स्टेट टेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है लेखक से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। दोस्तों, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक की बात यहाँ की गई है, संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना होता है। तो कोई भी गणित शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, एक टीचर के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की सोच को गणितीय करना, अर्थात वो अपने व्यवहारिक जीवन में अपने गणितीय सोच को, गणितीकरण को अप्लाई कर पाए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। दोस्तों, ब्रह्मा गुप्त ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस का प्रयोग किया जाता है गिनती सिखाने के लिए। छोटे बच्चे को जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, ये सारी चीज़ें अबेकस के माध्यम से बच्चे को सिखाई जाती है। अबेकस एक यंत्र होता है छोटा सा, जिसमें बॉल, छोटे छोटे बॉल के पॉइंट्स लगे होते हैं, तो उसके द्वारा बच्चों को गिनती सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व क्या होता है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व व्यवहारिक होता है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो गया। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को गणितीय शिक्षा व्यवहारिक दी जाती है कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। दोस्तों, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, लक्ष्य और उद्देश्य, ये सारी चीजें हम देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। दोस्तों, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल NCERT के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। ये एक स्टेटमेंट है, कभी कभी ये सीटेट में तो नहीं आता है स्टेटमेंट से, पर स्टेट टेट में आता है स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह डटन का जो है कथन है। नेक्स्ट है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, ये स्टेटमेंट अब किसका है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट डेविड व्हीलर का है। डेविड व्हीलर ने कहा था कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। दोस्तों, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग विज्ञान विषय में होता है। हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं से, तो गणितीय ज्ञान का प्रमुख उपयोग जो है वह विज्ञान विषय में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है। दोस्तों, इकाई उपागम मॉरिसन से संबंधित है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह किसका कथन है? तो ये भी स्टेटमेंट आधारित हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे जो स्टेटमेंट वाले हैं। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह प्लेटो का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? दोस्तों, गणित शिक्षण विधि के संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। तो संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ये सारी विधियां आपको बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? फ्रेंड्स, गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि जो है यह तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है, अर्थात संश्लेषण विधि जो है वो तार्किक विधि पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? दोस्तों, विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो है वह स्थायी होता है, अर्थात परमानेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? आगमन विधि द्वारा फ्रेंड्स गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाई कैसी संख्या है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट का। पाई कैसी संख्या है दोस्तों, कहा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय, ये सारी चीजें आपको गणित की क्लास में बताई जाएगी, तो अगर ना पता हो अभी फिलहाल बस इतना जानिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। नेक्स्ट है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना या आगमन विधि शिक्षण विधि से संबंधित है। आगमन में क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और निगमन विधि में क्या होता है, हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना, अर्थात पहले उदाहरण देना और फिर नियम देना, ये इस शब्द का मतलब हुआ, तो ये आगमन विधि होगा। नेक्स्ट है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, ज्यामिति का संबंध मापन से है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ खोज करना होता है। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? जीवन की आर्थिक गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? दोस्तों, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री श्यामपट, मॉडल, चार्ट इत्यादि होती है, जो कि दृश्य सामग्री होती है, अर्थात आप इसे दृश्य सामग्री के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए प्रभावशाली मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? तो मानसिक बच्चे का डेवलप होता है प्राइमरी स्तर पर गणित पढ़ाने से, वो गणित को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? तो दोनों के उद्देश्यों का अंतर होता है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में। नैदानिक में क्या होता है, बच्चे की कमियों को जान के हम उसका निराकरण करते हैं, और उपलब्धि परीक्षण वही उसका रिजल्ट होता है जो लास्ट में एक मूल्यांकन होता है, उसके बाद जो मिलता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह सामाजिक और आर्थिक उपयोग होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें आपको बताएंगे, आगे अभी बहुत सी चीज़ें हैं मैथ्स पेडागॉजी से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।